धर्मा प्रोडक्शंस बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। इस प्रोडक्शन हाउस ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं। धर्मा प्रोडक्शंस, जिसकी स्थापना यश जौहर ने की थी, एक समय ऐसा भी आया था जब यह प्रोडक्शन हाउस कंगाल होने वाला था। धर्मा प्रोडक्शंस ने लगातार 5 बड़ी फ्लॉप फिल्में दी थीं, जिससे यह प्रोडक्शन हाउस काफी घाटे में चला गया था। लेकिन फिर शाहरुख खान ने इस प्रोडक्शन हाउस को लगातार 3 बड़ी हिट फिल्में दी, जिससे धर्मा प्रोडक्शन काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। धर्मा प्रोडक्शंस ने दुनिया 1984, मुकद्दर का फैसला 1984, अग्निपथ 1990, गुमराह 1993 और डुप्लीकेट 1998 जैसी लगातार 5 बड़ी फ्लॉप फिल्में दी। इन 5 फिल्मों में बड़े स्टार्स थे और इन फिल्मों को दिग्गज निर्देशकों के द्वारा निर्देशित किया गया था। लेकिन बावजूद इसके यह फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थीं। धर्मा की 5वीं फ्लॉप फिल्म डुप्लीकेट में शाहरुख खान ही मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म की स्टोरी तो काफी अच्छी थी, लेकिन यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी कमाल नहीं कर सकी थी। शाहरुख खान की यह उस साल की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। लगातार 5 फ्लॉप फिल्में देने के बाद धर्मा प्रोडक्शंस काफी घाटे में चला गया था। लेकिन फिर शाहरुख ने धर्मा प्रोडक्शंस को लगातार 3 बड़ी हिट फिल्में देकर इस प्रोडक्शन हाउस की किस्मत बदल दी। धर्मा प्रोडक्शंस के मालिक यश जौहर के बेटे करण जौहर ने अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है 1998 में बनाई। इस फिल्म को करण ने खुद ही डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में शाहरुख खान लीड भूमिका में थे। करण के बेहतर निर्देशन और शाहरुख के उत्कृष्ट अभिनय ने इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता दिला दी। यह फिल्म ब्लॉकबस्टर रही। इस फिल्म के बाद भी शाहरुख खान ने धर्मा प्रोडक्शंस को 2 और लगातार बड़ी हिट फिल्में कभी खुशी कभी गम 2001 और कल हो न हो 2003 में दी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।